आपका अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन और इसके बिल्कुल सामने आपको दिखने वाला है काच पटन जो ब्रांड है मेंस का, अपना मेंस की शर्ट्स, मेंस की जीन्स, ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग जो ये करते हैं। अभी अंदर चलते हैं, वन बाय वन आपको कलेक्शन दिखाते हैं। बहुत ह्यूज कलेक्शन, देखिए जीन्स बहुत ज़बरदस्त, शर्ट्स बहुत ज़बरदस्त, और इस तरीके से आपको मैं अभी अंदर चलता हूँ और आपको वैरायटीज दिखाता हूँ। आइए। इसको डार्क कलर का चार्ट होता है सर, जिस टाइप के कलर्स होते हैं सर, डार्क कलर होते हैं। सारे कलर्स आ गए अपना, ब्लैक और इस तरीके से ब्लूइश कलर आ गया इसके अंदर, ये ब्राउन के ऊपर ब्राउन वॉश आ गया। ठीक है, रिएक्टिव बोलते हैं इसको। ये है सर कॉटन एक्चुअल, मगर फिलिंग सर 100% डेनिम की आनी है। डेनिम फिलिंग आती है जी। उनके कलर्स इस टाइप के अवेलेबल होते हैं सर। ये भैया ने इसको नीचे से ऐसे फोल्ड भी कर लिया जी जी जी। इसमें तीन चार कलर्स नीचे अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी जी जी। इस टाइप के कलर्स अवेलेबल है सर, देखिए। और ये इसके कलर्स बहुत प्यारे, देखिए सर। ये नेटेड में माइनर टैरिंग है। ओके, माइनर टैरिंग, नेटिंग फैब्रिक सर, लेटेस्ट फैब्रिक अभी यही चल रहा है। ठीक है जी सर। इसमें माइनर टैकिंग भी किया हुआ है, स्टेप पर चल रहा है। लेंथ नैरो लुकिंग है, क्रॉस पॉकेट है, ये मैटी सर, मैटी फैब्रिक। और ये फर्स्ट प्रिंट आ गया। कलर्स की ब्राइटनेस देखिए सर आप, कलर्स की ब्राइटनेस एकदम ब्राइट है सर। कलर की स्टिचिंग की पूरी गारंटी रहेगी, पूरी गारंटी है सर। फॉर्मा सर, मैं थोड़ा सा बीच में काटूंगा आपकी बात सर। मेरा फॉर्मा ऐसा है ना कि अगर बंदा पहनता है ना जी, तो नेक्स्ट टाइम काच बटन की डिमांड जरूर निकालेगा। दुकान नहीं, ब्रांड है ये, अगर आप बात करें काच बटन की। देखिए इस तरीके से इसका फोर्थ कलर आ गया। हेलो व्यूवर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुश आमदीद, कैसे हैं आप सब। हेवन जोन ब्लॉग्स देखने वाले और एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आप सबकी और स्पेशल वीडियो आप सबके लिए उस रिक्वायरमेंट के ऊपर की मैन्युफैक्चरिंग अपना मेंस जो अपना ब्रांडेड जीन्स, मेंस ब्रांडेड शर्ट्स जो होती हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स बनाते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं, कौन बनाते हैं, कहाँ से आता है। अहमदाबाद से स्पेशली कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इन आइटम्स का। और एक मैन्युफैक्चरर आप सबके लिए काच बटन, जो कि इंडियन नाम और भारतीय इंडिया मेड आइटम सारी की सारी बनाई जाती हैं यहाँ पे अपना मेंस की। मेरे साथ में यहाँ के जो ऑनर हैं नितेश भाई जी हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे नितेश भाई? बहुत शुक्रिया। तो सर स्पेशल थोड़ा सा बताइए व्यूवर्स को, क्या क्या वैरायटी अभी बना रहे हैं आप यहाँ? सर साटिन लाइन बन रहा है, कॉटन प्रिंट बन रही है, लाफर प्रिंट बन रही है, लाइनिंग बन रही है, चेक्स बन रही है, कैप वाला माल बन रहा है। ठीक है, जो अभी एक्सक्लूसिव है वो सब प्रेजेंट है सर अपने पास। साइज क्या क्या बनाते हैं सर? ML, XL, डबल XL सर, काफी चीजें इसमें अपने 3, 4, 5 भी अवेलेबल है। ठीक है, शर्ट्स वगैरह में सर फैब्रिक्स ज्यादातर कौन से यूज होते हैं? फैब्रिक सर मिलान जो है, कॉटन है। ठीक है, लाफर है, साटिन प्रिंट है, डॉबी है, ब्लैक कॉटन है, मैटी है, और ब्रांडेड क्या बोलते हैं, मिल डाइट चेक्स आती हैं, वो है आजकल सब चीजें अवेलेबल है सर। ठीक है, जो मार्केट की डिमांड है वो सब चीजें अवेलेबल है सर। ठीक है, तो आपको मेन में इनके सैंपल्स वैरायटी दिखाऊंगा। आपने पहले देखा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारा इनका खुद का, अपना काच बटन के नाम से जो ब्रांड है इसके अंदर सारा खुद का इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इनका जो एड्रेस रहेगा, अगर आप अहमदाबाद में आते हैं, विजिट करते हैं रेलवे स्टेशन अहमदाबाद, उसके बिल्कुल सामने थोड़ा सा शॉप नंबर 1 रुद्रा मार्केट, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने है। ठीक है, और अगर कोई अपना रेलवे से आता है तो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट से सर, तो इस शॉप की खासियत ऐसी है कि सर रेलवे स्टेशन का ब्रिज आप चढ़ेंगे ना तो सबसे पहले नजर मेरी शॉप पे ही जानी है आपकी, सामने दिख जाएंगे आप जी सर। इनका बाहर बोर्ड लगा है बहुत बड़ा, मैं नहीं दिखूंगा, मेरी शॉप दिखेगी, शॉप बाहर आपको दिख जाएगी काच बटन के नाम से। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मेन वैरायटीज दिखाएंगे सर। अगर कस्टमर ऑनलाइन आपसे मंगवाते हैं जी जी, तो कम से कम कितना माल आप भिजवा देते हैं सर? इस चीज में मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, अगर किसी वैरायटीज के अंदर कलर 3 अवेलेबल है जी, वो 3 कलर कंपलसरी है सर। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर सर 10 to 15,000 होना चाहिए, पार्सल एक बन जाएगा। पार्सल रहेगा तो उसमें आपके पास भी वैरायटीज प्रोवाइड होगी। ठीक है, और तो आपको मजा आएगा, ट्रांसपोर्ट से माल चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉरियर सब फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे आके, जितना मर्जी माल बोले जी जी, जो भी उनकी पसंद जी, हो जी जी। ठीक है, तो आपको मेन में वैरायटीज पे फोकस करता हूँ। उससे पहले न्यू व्यूवर्स चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आइए आपको मेन वैरायटीज हम दिखाते हैं। तो मेन आपको नितेश भाई कुछ वैरायटीज अभी दिखाएंगे, दिखाइए सर स्टार्टिंग क्या दिखाएंगे जी सर? सर ये प्रिंट में अवेलेबल है जी, ये लाफर प्रिंट है सर, ये देखिए ये लाफर प्रिंट्स होते हैं जी जी, और इनकी फिनिशिंग, इनकी क्वालिटी कुछ एकदम परफेक्ट जी जी, ये सारे के सारे इस टाइप की कलर रेंज आती है सर। ये देखिए इस तरीके से कलर, एक दो और ये तीन इस तरीके से, और ये चौथा कलर आ गया, लगभग 5 कलर है इसमें जी सर। साइज वगैरह अगर बात करें 5 कलर्स ही आते हैं। ठीक है जी जी जी, और इनमें साइज कैसे कैसे रहता है? साइज M2 XL
ऊपर ये सब चीजें, साइज, बारकोड, हमारा हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी सब है सर। जो शिंकेज होना है, कलर निकलना है, कलर डल होना है, जो भी होना है वो पहले हो चुका है सर। ये आफ्टर वॉश आपके घर के बाद ये एज इट इज रहेगी चीज जो यहाँ देख रहे हैं आप। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसके पास सर। जी जी, इसके पास सर ये अभी स्ट्राइप्स बहुत चल रही है सर। स्ट्राइप्स कलर प्रिंट, ये देखिए इस तरीके से स्ट्राइप्स के अंदर। जी जी, फर्स्ट जैसे क्या देख रहे हैं आजकल बहुत डिमांड में है। इनमें फैब्रिक कौन से लगे हैं सर? सर ट्विल है सर, ये ट्विल फैब्रिक यूज हो रखा है। अगर हम सर साइजेस की बात करें, इंडियन साइज बनते हैं सारे? जी जी सर, फर्मा परफेक्ट रहेगा, एम एल एक्सल, एम एल और एक्सल तीन साइज। और इसमें कलर्स और भी हैं सर? कलर्स दो और अवेलेबल है, किसी में थ्री आते हैं, किसी में फोर्स कलर अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से जी कलर ऑप्शन भी स्ट्राइप में। जी, बहुत बेहतरीन साइज, एम एल एक्सल। और कुछ मोस्ट ऑफ साइजों में डबल एक्सल भी अवेलेबल होगा। सबसे मेन जो चीज इनका ये देखिए, खुद का जो ब्रांड यहाँ पे है काज पैटर्न, हर एक आपको ज्यादातर आपको शर्ट्स के ऊपर मिलने वाला है। और नेक्स्ट सर अगर हम देखें कुछ? जी 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 सर, सर एक ये वेलवेट प्रिंट चल रहा है, ये न्यूली फैब्रिक है अभी जी स्टार्ट हुआ है, इसमें बेसिक के ऊपर वेलवेट का वर्क चल रहता है सर। शर्ट के ऊपर वेलवेट का वर्क चल रहता है सर, बहुत प्यारा और बहुत लेटेस्ट ट्रेंड। अभी मार्केट में यही चीज चलने वाली है। जी जी सर, बिल्कुल सर, फुल डिमांड है सर, ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ है चीज। कलर्स भी बहुत प्यारे हैं सर, फाइव कलर्स अवेलेबल है, फाइव कलर्स ही यूनिक है सर। और मैं खुद सोच रहा हूँ कि दो चार शर्ट्स मैं यहाँ से खुद भी लेके जाऊँ, क्योंकि आइटम्स बहुत अच्छी हैं, मेरे को भी लेटेस्ट फैशन पहनना पसंद है और यहाँ पे बनता भी लेटेस्ट फैशन ही है। जी 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 सर, और ये देखिए वाइट, बहुत प्यारा कलर, देखिए जबरदस्त कलर और जबरदस्त इसके ऊपर प्रिंट, बहुत प्यारा। एक और देखते हैं नेक्स्ट, ये भी इसका थर्ड कलर, गाजरी प्रिंट, बहुत प्यारा लाइट अपना गाजरी कलर जो होता है। और नेक्स्ट कुछ डिजाइन देखते हैं। जी सर, स्ट्राइप में वेलवेट ब्रशिंग है सर, ये देखिए आप, बहुत प्यारा, ये फंकी है यंगस्टर्स के लिए, स्पेशल फॉर यंगस्टर्स के लिए सर, फंकी कलर्स हैं। और लगभग प्राइस के लिए आप कॉल पे बात कीजिए, क्योंकि सारा मैन्युफैक्चरिंग है, सो प्राइस अगर अभी ओपन हो जाती है तो बाद में आगे देखते हैं, रिटेलर्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आगे रिटेल में मार्जिन सब खुल जाएगा, नहीं नहीं पाएगा सर। तो आप व्हाट्सएप कीजिए अभी कभी स्क्रीनशॉट लेके, आपको आगे से प्राइस बताएंगे और आप सेट वाइज कलर वाइज यहाँ से माल ले सकते हैं। ये देखिए लगभग तीन से चार कलर इसके अंदर भी आपको मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके से। और अगर हम नेक्स्ट देखें इसके बाद, सेकंड कसूर है, ये देखिए बहुत प्यारे प्रिंट्स, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इनकी सारी कलेक्शन आपको आज दिखाऊं, कुछ यूनिक है यहाँ पे इसका, बहुत जबरदस्त। ये देखिए आप, ये सेकंड इसका प्रिंट आ गया इस तरीके से, और इसका ये थर्ड प्रिंट और कलर, ये देखिए आप इस तरीके से बिल्कुल डिफरेंट। एम एल एक्सल तीन साइजेस बनाए जा रहे हैं अभी, आपकी डिमांड होगी तो आगे और भी अपना आइटम बनेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा लोअर रेंज के अंदर फ्लावर प्रिंट्स है। हाँ जी, ये देखिए इस तरीके से, ये फैब्रिक वगैरह कौन सा है? मैटी सर, मैटी फैब्रिक। और ये फर्स्ट प्रिंट आ गया, कलर्स की ब्राइटनेस देखिए सर आप, कलर्स की ब्राइटनेस एकदम ब्राइट है सर, कलर की स्टिचिंग की पूरी गारंटी रहेगी, पूरी गारंटी है सर, प्रॉपर। सर मैं थोड़ा सा बीच में काटूंगा आपकी बात सर, मेरा फॉर्मा ऐसा है ना कि अगर बंदा पहनता है ना जी, तो नेक्स्ट टाइम काज बटन की डिमांड जरूर निकालेगा, क्योंकि एक ब्रांड है, ये ब्रांड है, दुकान नहीं ब्रांड है ये, अगर आप बात करें काज बटन की। देखिए इस तरीके से इसका फोर्थ कलर आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं सर, ये वेलवेट चेक्स, ये वेलवेट चेक्स जी, और फैब्रिक भी सर सेम जी जी, वेलवेट चेक्स के नाम, जी वेलवेट चेक्स ही है, कुछ इस तरीके से अपना चेक्स में कलर ब्रांड के साथ है, मिल्डेड कलर है, और एज इट इज एमजेम किया हुआ सर, ओनली फॉर, बहुत प्यारा कलर, देखिए ब्लैक ब्यूटी, बहुत जबरदस्त। और नेक्स्ट देखते हैं सर, जी सर एक अभी दो तीन चीजें लेटेस्ट चल रही हैं। हां जी, एक इंपोर्टेड फैब्रिक है सर, रिंकल फ्री, रिंकल फ्री फैब्रिक, इन कपड़ों में कभी भी आयरन नहीं करना पड़ेगा सर। ये देखिए आप कॉटन, मेरे भाभी आपकी बहुत खुश रहेंगी सर, वो आयरन से बच जाएंगे, आयरन नहीं करना पड़ेगा, ये फैब्रिक ही ऐसा है। जी जी जी, और इनमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है इसमें सर, इसमें प्रिंट्स भी अवेलेबल हैं, ये देखिए आप, इसमें भी प्रिंट्स मिलेंगे काफी इस फैब्रिक में, कोशिश करूंगा ज्यादातर आपको मैं अपना प्रिंट्स अलग अलग दिखाऊंगा, प्लेन फैब्रिक भी है इसमें,
इसमें भी 14-15 कलर की रेंज है सर। प्लेन फैब्रिक आगे समर के हिसाब से हाफ स्लीव्स बनाया हुआ, स्लीव्स हाफ और फुल दोनों अवेलेबल है सर इसके। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त है, देखिए फैब्रिक भी बहुत अच्छे और ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग आपको मिलेगी हर पीस पे इस तरीके से काज पैटर्न। और नेक्स्ट देखते हैं सर, ये फ्लावर प्रिंट्स है, ये फ्लावर प्रिंट रेंज वाली जो मैंने आपको रेंज बताई, और रेंज लगभग सारी मैन्युफैक्चरिंग रेट रहेंगे इनके। जी जी। और नेक्स्ट कुछ और अगर हम देखें इसके अंदर, जी बॉल प्रिंट और देखते हैं क्या बोलते हैं इनको, बॉल प्रिंट, बॉल प्रिंट ये देखिए, ये व्हाइट आ गया, ये आपका ब्लैक ब्लैक आ गया तरीके से। जी, ये ब्लैक है, ये सबसे लेटेस्ट कलर चल रहा है, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू कलर, पीच कलर, पीच कलर आ गया, ये आपका लाइट पीच कलर, और बफ कलर आ गया, बफ कलर, लाइट पीच आप बोल सकते हैं। सॉरी एक कलर और मिस हो गया सर, नेवी ब्लू भी प्रेजेंट है सर। बहुत अपना एक मेन चीज अच्छी मेरे को लगी, कलर्स बहुत है, हर शर्ट का डिजाइन तो है ही है, कलर्स भी साथ साथ आपको मिल रहे हैं। और अगर कुछ डिफरेंट, ब्रॉड पट्टा, ये ब्रॉड पट्टा के हिसाब से अपना आइटम, ये देखिए इस तरीके से कॉर्डरॉय बेस्ट पे है सर ये। ठीक है जी। और इसमें भी लगभग सारे के सारे फाइव डिफरेंट कलर्स है सर, ये देखिए फाइव कलर्स, और सारी क्वालिटी वाली, फिनिशिंग वाली और ब्रांड वाली आपको शर्ट्स आज मैं दिखा रहा हूँ। और ऐसी बहुत शर्ट्स हैं यहाँ पे, एक बार आप अगर आते हैं अहमदाबाद में विजिट करते हैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये देखिए आप पतली स्ट्राइप्स, ये स्ट्राइप्स में आ गया आपका कुछ इस तरीके से कलर्स, कुछ इस तरीके से कलर्स, और ऐसी बहुत क्वालिटी, बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पे अवेलेबल भी हैं सर, ऑन द फ्लोर भी है, काफ़ी चीज़ें मार्केट से लेटेस्ट न्यू ब्रांडिंग वाली चीज़ें सब अवेलेबल हो जाएंगी सर। तो आपको लेटेस्ट फैशन अगर स्पेशल चाहिए तो आप एक बार विजिट ज़रूर करें काज पैटर्न, जो कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने इनकी शॉप, आपको बड़ा बोर्ड दिख जाएगा। इसके अलावा हमने ऊपर का तो सर शर्ट अपना दिखा दिया, मेन आइटम नीचे भी तो कुछ अपने को यूज़ करना है तो उसके लिए स्पेशल जीन्स भी अवेलेबल है सर मेरे पास। ठीक है, वो भी ब्रांड हमारा काज पैटर्न ही है। ठीक है, उसके लिए तो शर्ट से भी बहुत यूनिक आइटम्स मिल जाएंगे उसके अंदर आपको। तो हम कुछ जीन्स की भी आपको रेंज अभी दिखाते हैं। ये जी जी जी, अभी आपको इस तरह हमने शर्ट्स दिखाई हैं, इस तरफ सारा सेक्शन जो सैंपलिंग है सिर्फ और सिर्फ जीन्स में, अब वो आपको सर दिखाएंगे नितेश जी, दिखाइए सर कुछ वैरायटीज। सर ये बेसिक, ओके, बॉल वॉश, बॉल वॉश, निटेड फैब्रिक, एंकर लेंथ, एंकर लेंथ आएगा निटेड फैब्रिक के अंदर। और इस तरीके से बैक प्रॉपर आप देख रहे हैं काज पैटर्न के नाम से, खुद की ब्रांडिंग हर एक सैंपल के ऊपर। जीन्स पे अगर हम सर बात करें स्टार्टिंग कितने रुपए से आती है? स्टार्टिंग सर 275 रुपए से स्टार्ट है सर। और कितने रुपए तक की जीन्स बनाते हैं? अभी प्रेजेंट शॉप के अंदर 600 तक की रेंज है और आगे उम्मीद 800 तक की है। मतलब क्वालिटी पे ही फोकस रखा है, ओनली क्वालिटी और लुकिंग, कोई लो क्वालिटी नहीं मिलेगी, ओल्ड फैशन नहीं मिलेगी, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं सर, सब लेटेस्ट। जी जी, लेटेस्ट एंकर, ये देखिए ये चल रहा है सर चाइना वॉश, चाइना जो वाश। पीस पूरा रहता है ना उसका कॉन्ट्रास्ट पॉकेट आता है सर, ये देखिए पॉकेट बहुत जबरदस्त। जी जी, और इसका भी अपना काज पैटर्न ब्रांडिंग, और ये फ्रंट आगे भी लाइट वॉश मिलेगा बहुत आपको, प्लांट वॉश, जो कि इस पीस को बहुत यूनिक बना रहा है। साइज क्या क्या बनाते हैं जींस में? 28 to 36, 28 to 34। ठीक है, दो 28 to 36 और 28 to 34 दो साइज रहेंगे। सर ये कुछ फंकी है इस टाइप का कुछ बनता है। जी ये देखिए स्क्रीन प्रिंट फैब्रिक माइनर टेरिंग, जस्ट आपने हमारा वॉशिंग प्लान देखा था उसमें थोड़ा सा वीडियो शूट किया हुआ है जी, जिसमें वो टेरिंग कर रहा है बिल्कुल, वो उसका लुक आफ्टर वॉश ऐसा आता है सर, डैमेज होता है ना। जी जी जी, इसे टेरिंग भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मैं कंटिन्यू हूँ। ठीक है सर जी, और नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। जी जी सर, ये एक सल्फर चार्ट है, ये कलर बहुत प्यारा है सर, इसके 7 कलर्स अवेलेबल है मेरे पास। okay. एक बार मैं आपके सामने वो 7 कलर प्रेजेंट करता हूँ, एक बार आप देखें आफ्टर उस पीस रेडी टू कैसे लगते हैं सर। ये इस तरीके से देखिए आप, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैक। जी, और इसके कलर्स आपको एक बार दिखाएंगे, ये इसका सेकंड कलर आ गया। जी, और इसका थर्ड कलर अगर हम देखें तो थर्ड कलर आपका इसका, ये थर्ड कलर आ गया, थर्ड वन आ गया इसका, थर्ड कलर वन कलर आ गया। ठीक है जी, ये देखिए, और इसका अगर पर्पल कलर आ गया, इसका फोर्थ कलर आ गया इस तरीके से। ठीक है, और इसका अगर हम देखें फिफ्थ कलर लाइट ब्लू, इसका लाइट ब्लू फिफ्थ कलर आ गया, लगभग 5 कलर आपके सामने, और लाइट शेड जी सर सारे इसमें बनते हैं ज्यादातर। सर ये सर की इस चीजों की डिमांड फुल है सर। ठीक है, क्या बेसिक कलर्स पहन के कस्टमर बोर हो चुका है सर, ये देखिए इस टाइप के कलर्स अवेलेबल है, देखें आप, ये देखिए इसका 6 कलर, ये वाला कॉफी कलर है। और सर कभी 7 कलर प्रेजेंट होते हैं, कभी 8 कलर प्रेजेंट होते हैं, कभी 5 कलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज लेटेस्ट चल रही है। ठीक है, फैब्रिक निटेड है और फिटिंग इसका पूरा एंकर लेंथ जैसा है सर। ठीक है सर, जनरली वो पहले जो पैंट्स पहनी जाती थी उसमें गैदर्स आती थी नीचे, इसमें गैदर्स वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एंकर्स नी तक बिल्कुल,
वहाँ तक ही लेंथ है और मैं एक पूरा ब्रांड का है सर। और नेक्स्ट अगर फंकी कुछ इस टाइप का और है, जिस पीस आपको मैंने फंकी पहले दिखाया था इस टाइप का कुछ स्टाइल के अंदर आ गया फंकी के अंदर से आप देख रहे हैं। और ये भी स्ट्रेट अगर देखें तो इस तरीके से आपके सामने ये रहेगा। और ऐसे सैंपल्स बहुत सारे अवेलेबल है और लगभग सारे होलसेल प्राइजेस में ही आपको सैंपल्स मिलेंगे। सब में कलर्स भी रहेंगे और साइज भी रहेंगे। देखिए निटेड है, सिर्फ माइनर टेयरिंग किया हुआ है। ओके, जस्ट देखें आप, ये माइनर टेयरिंग है, हल्की हल्की लाइट, बिल्कुल बिल्कुल माइनर टेयरिंग है। ये भी एंकल लेंथ लुक में है, ठीक है। 38 लेंथ है पेंट का, ये अभी यंगेस्ट और सबसे ज्यादा क्रेज में पहन रहे हैं, ठीक है। बैजी कुछ पीछे पॉकेट पे कोई एम्ब्रॉयडरी कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे पॉकेट राउंड है, राउंड और क्रॉस दोनों अवेलेबल मिलेंगे सर आपको, ठीक है। दोनों की डिमांड है, ये मेरी ब्रांड है खुद की, ये भी पूरा हेडलाइट कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं जी प्रॉपर। और ऐसे ही काफी यहाँ पे सैंपल और भी है, और आप अगर लेना चाहें आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। क्रैप नेटी, क्रैप नेटी के नाम से क्रैप नेटी है। इस कपड़े के अंदर बारीक सेल्फ चेक्स होती है सर, ठीक है जी। ये कुछ यूनिक फैब्रिक है और एकदम लाइटवेट फैब्रिक है सर, ठीक है। मतलब फील नहीं होगा कि आपने पैंट पहना है सर। इसमें भी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है पीछे, ठीक है। और ये एक और अगर हम देखें, ये वो चाइना वॉश है, उसका कलर था जो अपन ने चाइना वॉश किया जी जी, इसका कलर अवेलेबल है, ठीक है जी। और कुछ अगर हम सर नेक्स्ट सिखाना चाहें यहाँ पे, एक ये सर ये चीज है यहाँ की अहमदाबाद की, ये अहमदाबाद जी जी रिएक्टिव बोलते हैं इसको। ये है सर कॉटन एक्चुअल, मगर फीलिंग सर 100% डेनिम की आनी है, डेनिम फीलिंग आती है जी जी। उनके कलर्स इस टाइप के अवेलेबल होते हैं सर, ये भैया ने इसको नीचे से ऐसे फोल्ड भी कर लिया जी जी जी। इसमें तीन चार कलर्स नीचे अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी जी जी। इस टाइप के कलर्स अवेलेबल है सर, देखें। और ये इसके कलर्स बहुत प्यारे, देखिए सारे के सारे कितने कलर के यूनिक सर। कभी 12 होते हैं, कभी 13 होते हैं सर, कभी 8 कलर्स होते हैं, किसी पैटर्न में 5 कलर्स हैं, किसी में 6 है, किसी में 7 है सर। 28 to 36 हाँ सर, वो कुछ कस्टमर्स की डिमांड आ रही है जी। 36 to 42 उनवाने भी फ्लोर में है, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल हो जाएगा सर। ये सारा कुछ कंजर ब्रांडिंग काज बटन के नाम से आप देख रहे हैं, ये लगभग सारा अपना आई थिंक बैक टू ऑर्डर कॉटन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये है कॉटन सर, मगर पहनने का फीलिंग पूरी डेनिम की आती है सर। फीलिंग डेनिम जीन्स वैसा फीलिंग कॉटन डेनिम बोले आप, कॉटन डेनिम बोल सकते हैं। कुछ यूनिक चीजें नहीं अभी, ठीक है। तो सर अगर हम जैसे कि ये आइटम आपने बताया कि कॉटन अपना कॉटन डेनिम के नाम से जी जी जी। इसमें अंदर कलर्स काफी आते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट आप ओरल देख रहे हैं, हाँ जी। इसमें येलो भी आता है, ब्राउन भी आता कर लेते हैं ना जी, फोन करके अभी यंगस्टर्स के हिसाब से कॉन्ट्रास्ट चलता है सर। कोई भी क्वांटिटी में स्टॉक बनवाना चाहे बना लेते हैं आप, बैक टू ऑर्डर भी बन जाती है चीजें सर। और इसमें भी लगभग कलर्स लगभग सारे हैं इसके अंदर भी जी जी। ये देखिए इस तरीके से, इसमें देखिए वो कॉन्ट्रास्ट कलर हो गया, उसमें आपने येलो देखा था, इसमें मजेंटा है, मिक्स कलर सेल्फ लिलन जैसा है, ठीक है। और ऐसे जब आपको मैंने पहले दिखाया था इसमें इस तरीके से ऑरेंज कलर था, और ये फोल्ड करने के बाद लेटेस्ट फैशन है, बिल्कुल नया आजकल जी जी मार्केट में डिमांड है जी जी। और ऐसे कुछ सैंपल इस तरफ भी है लेफ्ट साइड में, आपको वो भी मैं दिखाता हूँ एक बार। और सर नेक्स्ट यहाँ पे सैंपल्स जी 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 सर, ये नेटेड में माइनर टेयरिंग है, ओके माइनर टेयरिंग नेटिंग फैब्रिक सर, लेटेस्ट फैब्रिक अभी यही चल रहा है, ठीक है जी सर। इसमें माइनर टैकिंग भी किया हुआ है, ठीक है, चल रहा है। लेंथ नैरो लुकिंग है, क्रॉस पॉकेट है मेन सर। इसमें स्टिचिंग वगैरह जैसे कि हम देख रहे हैं, स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जनरली वो सर लोकल पीस लेते हैं अपन 250-260 के रेंज में सर। उन पीसों में क्या होता है सर जी, पीस पहनने के बाद खींचने के बाद सर जाती बाहर आ जाती है जी, ये पोर्शन बाहर आ जाता है ये वाला सर, ये पोर्शन इस तरीके से बाहर आ जाता है बिल्कुल, अगर पीस लोकल होता है सर। ये पूरा ब्रांड का पीस बना हुआ है, ठीक है। अगर 28 का पीस भी पहनता है ना तो ये मेरी जाती बाहर नहीं आएगी सर, ठीक है जी सर। तो यही चीज एक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आपको क्लियर बता पाते हैं जी जी, और आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाते हैं। काफी लोग सर नया बिजनेस भी शुरुआत करना चाहते हैं आगे अपना, तो उनको भी आप थोड़ा गाइड करेंगे आगे कैसे वो कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। सर आपने भी पीस काफी बार पहना होगा, अगर जाती बाहर निकलती है तो पीस ऐसा कैसा लगता है कि ऑर्डिनरी सा पीस है, मतलब ब्रांड के अंदर ये चीजों की शिकायत नहीं होती। बिल्कुल सही बात जी सर जी सर। ये है एक्चुअल ब्लास्ट वॉश है, ब्लास्ट वॉश के अंदर ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं सर, इसको स्क्रैपिंग बोलते हैं, ठीक है सर। स्क्रैपिंग है ये, ठीक है। पीछे बॉल वॉश किया हुआ है, नीचे की बॉटम्स और डार्क आती हैं वन साइड, और इससे भी अपने साइज और कलर आपको 28 to 34 अवेलेबल है ब्रांडिंग काज बटन के नाम से, ठीक है। और अगर आप सर नेक्स्ट देखें जी जी सर, ये स्मोक वॉश है, इसमें क्या है कपड़े के धब्बे दिखते हैं सर, ठीक है। देखिए आप दूर ज्ञान से देखेंगे ना सर, तो लाइट लाइट डार्क डार्क स्पॉट दिखेंगे। ये कपड़ा काटता है सर वॉशिंग के अंदर, ठीक है। जो स्प्रे है ना सर, उसका इफेक्ट यहाँ छोटा छोटा आएगा, ध्यान से देखें आप पूरे यहाँ पीस पे बीच पीस में जी जी जी। इसको बॉल वॉश बोलते हैं, स्मोक बोले या बॉल वॉश बोले, ये है पूरे पीस पे और पहनने के बाद बहुत अच्छा गेटअप आता है, बिल्कुल नेचुरल सर बिल्कुल।
और ये भी इस तरीके से इसका बैक आ गया, पॉकेट बिल्कुल एकदम ठीक जी सर, ब्रांड की अपना लुक प्रॉपर आपको देने वाले हैं जी। और अगर कुछ हम ये कुछ फंकी हैं, मैंने कुछ पीस पहले दिखाए थे आपको, स्टेप के कॉन्सेप्ट हैं ये, इस तरीके से अपना जी जी, इस तरीके ये से कुछ फंकी बनता है यंगस्टर्स के लिए, ठीक है जी जी सर। और ये क्रॉस पॉकेट स्पेशल फॉर ब्लैक बनाते हैं सर, स्पेशल फॉर ब्लैक है, क्रॉस भी बनता है, राउंड भी बनता है सर इसके अंदर, ये अपना ओनली ब्लैक, अगर ओनली फॉर ब्लैक है। और ये कपड़ा भी सर ऐसा है, रिंकल फ्री है सर, अभी ऐसा हो ना आपको कि वॉश करने के बाद तुरंत पहनना है जी, तो भी आप पहनेंगे तो ये कपड़ा वैसा का वैसा एज इट इज हो गया। देखिए आप सेम आपको ये देखिए, वही है सर, अपना नॉलेज एक बहुत जरूरी है जो आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरर दे पाते हैं जी, जो चीजें आपको क्लियर वही सामने से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और ऐसे काफी सैंपल है, टैरिंग है जी, ये टैरिंग के साथ आउट स्टिच चल रहा है, ये देखिए आप, ये भी फंक्शन के अंदर आउट स्टिच चल रहा है बनाया आपके लिए जी जी। पीछे बॉटम में जीपर लगा हुआ है, ये भी यंगस्टर्स के लिए है, ये भी एंकल लेंथ के अंदर है, 38 लेंथ है सर, 38 इसमें हैवी डैमेजिंग भी किया हुआ है, ठीक है, स्टिच डैमेजिंग के ऊपर स्टिच भी किया हुआ है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, इससे ये भी लेटेस्ट चल रहा है सर, बिल्कुल लेटेस्ट फैशन। और इसमें भी अपना बैक इस तरीके से बैक तो ब्रांड जैसे ही आएगा का ब्रांड काज बटन, ठीक है सर। और ये पीछे सर मुझे कुछ कलर अच्छे लग रहे हैं, ये सर आपको रिएक्ट टू दिखाया वो है सेम वही अपना जी 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 सर, वो अहमदाबाद वाला जो व्हाइट कलर भी बहुत अच्छा सर जी जी, व्हाइट आई थिंक क्रीम जी जी, क्रीम है सर, ये क्रीम, ये वो सर मैंने आपको नीचे दिखाई थी ना नीटेड के अंदर 9 कलर की रेंज, ठीक है, उसका ही कलर है सर ये, और ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, स्टिच बहुत अच्छा है, फोर वे स्ट्रेच है सर, और फोर वे स्ट्रेच दोनों तरफ से स्ट्रेच होगा, इधर से खींचेंगे तो भी स्ट्रेच होगा, इधर से खींचेंगे इधर से खींचेंगे, स्ट्रेच है जी सर, ये भी एंकल लेंथ के अंदर है सर। बाकी ऐसी वैरायटीज तो सर यहां पे बहुत है, बहुत सारे सर आएगा तो वो कुछ देख पाएंगे यहां पे। और अगर कस्टमर सर व्हाट्सएप पे डार्क कलर का चार्ट चलता है जी, डार्क कलर का चार्ट होता है, इसको डार्क अगर हम बोले तो इसको डार्क कलर का चार्ट होता है सर, जिस टाइप के कलर्स होते हैं सर, डार्क कलर होते हैं, इसमें सारे कलर्स आ गए अपना ब्लैक और इस तरीके से ब्लूइश कलर आ गया इसके अंदर, ये ब्राउन के ऊपर ब्राउन वॉश आ गया, ठीक है, ब्राउन ग्रीन के ऊपर ग्रीन वॉश आ गया, और ये ग्रीन वॉश आ गया इसके ऊपर आपका। बाकी ऐसे कलर वैरायटीज बहुत है, बहुत सारी अवेलेबल है, अहमदाबाद आते हैं एक बार यहाँ विजिट करके जरूर जाएं जी जी। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके नितेश भाई जी से मिलके जी जी जी, कोशिश करेंगे और नई नई वीडियोस हम सबसे विनती करूंगा एक बार जरूर आए, विजिट जरूर करें, ठीक है सर, देखने में और फैब्रिक को हाथ उठाने में बहुत फर्क होगा बिल्कुल जी। बाकी इनका एड्रेस रहेगा यहाँ पे काज बटन्स के नाम से ब्रांड, और ये शॉप नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर रुद्रा मार्केट नियर BSNL ऑफिस अपोजिट अपना ये क्या सर कालूपुर रेलवे स्टेशन, कालूपुर रेलवे स्टेशन के सामने अहमदाबाद, और बिल्कुल सामने हमारे रेलवे स्टेशन है, उसके बिल्कुल सामने आपको ब्रांड दिखेगा काज बटन। और आप जब भी सूरत आप जब भी अहमदाबाद आए एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करें, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आगे नितेश भाई से मिलके। और न्यू व्यूवर्स चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी के लिए चलता हूँ, यही प्यार करते रहिए हेमंत जोन ब्लॉग्स को, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग हेमंत जोन ब्लॉग्स, बाय बाय।